वजीरपुर उपखंड मुख्यालय पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। एक महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान परिजन जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आलम यह था कि चिकित्सा अधिकारी सहित किसी भी अस्पताल कर्मी ने प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया। पीड़िता एक घंटे तक दर्द से तड़पती रही मगर किसी भी कर्मी का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार प्रसूता ने अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म दे दिया। डिलीवरी के बाद पीड़िता के बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। उधर घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने चिकित्सा अधिकारी सहित अस्पताल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। मैं डॉक्टर राकेश गोयल सीएससी वजीरपुर। सर, ये महिला का आरोप है कि एक घंटे तक डिलीवरी के दौरान कोई संभाला नहीं गया, क्या मामला था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं लगभग 10:30 बजे करीब ओपीडी देख रहा था यहाँ पे, और दो महिला लगभग मेरे पास आई तो चिल्लाती हुई आई, तो मैं फटाफट वहाँ पर गया महिला वार्ड में, और मैंने देखा तो जो महिला मतलब लेटी हुई थी उसमें, और फिर मैं उसमें लेबर उसमें गया लेबर वार्ड में, तो देखा था बच्चा था एक वहाँ पे और वो मृत था, ऑलरेडी डेड था। तो जो भी आरोप है ये बेबुनियाद है। मैं अनीश निवासी वजीरपुर। हाँ बताओ। क्या मेरे भाई की घरवाली को डिलीवरी को हॉस्पिटल में लेके आया था, जिससे कोई डॉक्टर ने ना नर्स ने संभाला, इधर से इधर जा इधर से इधर, रोड पे बच्चा हुआ उसका मारे ही और ख़त्म हो चुका था, ना किसी ने नहीं संभाला उसको। अब क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं ये संभाल। हाँ बताओ। ये जो डॉक्टर है नरसल लापरवाही, 18,000 दूसरे डॉक्टर लगाए।